नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोशन मिश्रा, जो कि छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत बिजली की समस्या जो थी, यानी खासकर कि कई बरसात के दिनों में पोल पर करेंट आ जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने का काम किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का नमस्कार करना चाहता हूँ। देखा जाए तो बरसात के समय में बारिश की वजह से बहुत सारे ऐसे पोल पे जो लाइट लगे रहते हैं उस पे बारिश की बूंदे जाने से मतलब करंट उत्पन्न होता है, जिससे काफ़ी समस्या आता है कि बहुत सारे जब लाइट चलाने जाते हैं या बंद करने जाते हैं तो करंट उसमें लगता है। तो वो समस्या आ रही थी, काफ़ी जगह सुनने को मिला, तो उसको लेकर के हम लोग आवेदन दिए कार्यपालक पदाधिकारी को, दिए थे कुछ दिन पहले। वो कहें कि ठीक है, कुछ जगह का ठीक हुआ है, काफ़ी जगह ऐसे अभी समस्या जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो भी है छात्र जदयू का विस्तार हो रहा है, कई लोगों का नई जिम्मेदारी मिला है। रोशन मिश्रा जी, आप भी उम्मीद लगाए थे कि आपको भी कुछ जिम्मेदारी मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर देखिए मेरा कहना ये है कि पद कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप छात्र नेता, अगर छात्र के हित में काम करना चाहते तो पद कुछ मायने नहीं रखता है। आपको पद मिले या ना मिले, कुछ दिन पहले देखा जाए तो मेरे पास कोई भी पद नहीं था, लेकिन फिर भी हम छात्र हित में काम करते हैं और आगे भी करते आएंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर छात्र जदयू से तो हम लोगों के एक ही नेता है श्री नीतीश कुमार जी, और उनके मार्ग से ही हम लोगों को चलना है, और पद कोई मायने नहीं रखता है। कहा जा रहा है कि हिलसा के छात्र संगठनों का आंदोलन अब रंग लाया है, हिलसा में PG 4 को है विषयों में पढ़ाई होगी, क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी दिनों से यह मुद्दा चलते आ रहा था, हमेशा कई बार बताया भी है कि मुद्दा चलते आया है, और भी मतलब आज हम लोगों का एक जो भी कार्यक्रम था, एक आंदोलन था, वो सफल हुआ है। PG में 4 विषय का, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, भूगोल और मैथ, ये 4 विषय PG आ गया ऐसी कॉलेज में जिसमें छात्र इसी सत्र से एडमिशन ले सकते हैं। और भी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे रोशन मिश्रा जी, कि आप लगातार छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जैसे BLS हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, या जो सब्जेक्ट स्नातक में नहीं है उसके लिए भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा देखा जाए तो कुछ दिन पहले कुछ भी नहीं था, जैसे BCOM वगैरह यहाँ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के साथ साथ वो आ गया, और आगे भी है कि सारी सुविधा, क्योंकि एक ऐसी कॉलेज अंगीभूत ऐसा इकाई है जो काफ़ी दूर दूर से छात्र छात्राएं यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो अगर सारी सुविधा यहाँ अवेलेबल हो तो छात्र छात्राओं को काफ़ी आसानी होगी। तो आगे भी हम लोग का मांग है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको आ जाना चाहिए, उसके लिए भी मांग करते आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे रोशन मिश्रा जी, कि आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कॉलेज है और अंगीभूत कॉलेज है, कई छात्र कुछ दिन पहले पटना गए थे कि हिलसा में ही सेंटर है और हिलसा में सेंटर रहा। हाँ, देखिए होता क्या था कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, और जैसे अगर ये देखा जाए तो जब दूसरी सीटिंग में जिनका एग्ज़ाम रहता था, खासकर लड़कियों लोग का, तो वो दूर जाने पे काफ़ी समस्या होता था, तो उसको लेकर के हम लोग हिलसा में गए कई बार, हमेशा बहुत साल से करते आ रहे हैं कि हिलसा का अगर कॉलेज है, ऐसू कॉलेज का, तो हिलसा में ही रहे, होम सेंटर जो है, और वो हम लोग हमेशा आवेदन दे करके हिलसा ही करवा लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे। हिलसा में और भी समस्या है, आप देख रहे हो कि बरसात के दिनों में कई मोहल्ले का पानी निकास नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नगर परिषद को, अगर इसका जिम्मेदारी नगर परिषद को है, उसमें थोड़ा देखिए लागत तो आते हैं, ऊपर से पैसा बहुत आता है, लेकिन अगर काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। रोशन मिश्रा जी, अब बताइए कि अब आपको पद नहीं मिला, अब कैसा मतलब काम करने में आप आगे रहेंगे? देखिए, काम करने में पहले भी बताएं कि पद कोई मायने नहीं रखता, छात्र हित में काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, पद कोई मायने नहीं रखता, बस छात्र हित में काम करते हैं और आगे वही जैसे थे वैसे ही एक्टिव रहेंगे। धन्यवाद।